नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आपका इतना इम्पोर्टेंट खाना, इतना पैसा आप खाने में डालते हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपके शरीर में नहीं मिलता है। उसके जितने विटामिन प्रोटीन्स जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको शरीर में नहीं लगती है। उसका एक रीज़न या कारण आपको मालूम है दोस्तों? लोगों ने बताया भी होगा और आपको मालूम भी होगा लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसकी बातें क्या होती है, एक छोटी सी समझने की बातें बताता हूँ। जितनी भी अपने यहाँ मंदिरें हैं, जितनी भी गुरुद्वारा है, जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हर एक जगह पे आपने देखा होगा वहाँ पे पीतल का बर्तन होता है खाना बनाने के लिए। बहुत से पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता है, आज भी बहुत से जगहों पर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता है। मिट्टी के बर्तन में दाल बनता है, चावल बनता है, खाना बनता है, सब्जी बनती है, लोहे का ये बनता है। तो दोस्तों, ये ऐसे नहीं बनाया गया था, ये आपके लिए बनाया गया था। हम लोग मॉडर्न होने के चक्कर में सारी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि खाते हैं और हमारे शरीर में लगता नहीं है, हमारी बीमारी ख़त्म नहीं होती, हमारी परेशानी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। तो उसका एक रीज़न, एक तो खाने का तरीका, खाना कैसे खाया जाता है, कैसे किस तरीके से खाया जाता है, पानी कैसे पिया जाता है, वो एक सिस्टम भी हमारे अंदर में नहीं है दोस्तों। जो मैंने पीछे लिंक में दिया है, वीडियोज़ में दिया है, जो आप जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका इतने कॉस्टली, आप भाजी खरीदते हैं, घाटी खरीदते हैं, मतलब देसी खरीदते हैं कि मुझे उसका फ़ायदा हो दोस्तों। आप वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, एक जगह पे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन क्या दूसरे जगह पे क्या वो उस देसी सब्जी का खाना आप कुकर में बनाते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं दोस्तों, उसका मात्र इस बर्तन में जो आप खाना बनाते हैं, हमारे ऋषि मुनि या हमारे जो और रिसर्च करता है, जिन्होंने रिसर्च किया है, उसने पाया है मात्र 10-15% विटामिन्स और प्रोटीन्स सारी चीज़ें उसकी जो कैपेसिटी है उसके अंदर में रहती है, बाकी कुछ रहता ही नहीं है दोस्तों। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम सब कुछ अगर मान ली गन्ना के रस को निकाल दिया जाए और गन्ना का सूखा हुआ पार्ट जो है वो अगर आपको दिया जाए, आपके अंदर जाए, तो वो क्या देगा आपको? कुछ भी नहीं देगा दोस्तों। सेम चीज़ें आपके साथ होती है, हमारे साथ हो रही है। हम लोगों ने खाना खाने का तरीका सीखा, ना बैठने का तरीका सीखा, ना घूमने का तरीका सीखा दोस्तों। मैं जितनी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं आज 10 साल से पेशेंटों को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लगभग ये हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं ये जो फील किया हूँ कि लोग को ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, दवा खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, और लोग सही चीज़ें करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो एक ही बातें जान लीजिए कि ऊपर से आप कितना भी क्या कहते हैं फिर, आपको अगर फीवर है और ऊपर से बेहतरीन कपड़ा वपड़ा पहन लीजिए और मेकअप कर लीजिए, तो क्या आपके शरीर में चेंज नज़र आएगा क्या? आपके चेहरे पे खुशी आएगा क्या? स्माइल ला सकता है क्या? नहीं ला सकता दोस्तों। तो दोस्तों, वो कैसे आएगा? जब आप अंदर से फिट रहेगा। तो अंदर से फिट रहने के लिए आपका खाना सारा फिट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? एक तो आज के खाने में कुछ रहता ही नहीं है, और जो भी रहता है उसको हम लोग खाना बनाने के तरीके में बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर जाते हैं। इतनी मेहनत कौन करेगा दोस्तों? कोई लकड़ी के चूल्हे में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ही गैस पे आप मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, थोड़ा आपको लोग पुराने ज़माने के लोग कहेंगे, लेकिन मालूम है आपको जो 50% आप सब कुछ यूज़ कर रहे हैं उसके विटामिन्स प्रोटीन्स ये जितनी भी फैट्स है उसके अंदर में जो आप 15% यूज़ करें वो 100% मिलेगा मिट्टी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में लगभग 70-80% के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग यही पीतल, यही मिट्टी, यही कासा, यही तांबे का, हम लोग तांबे का इस्तेमाल करते हैं, चक्का से बारिश के टाइम में निकाल लिया, घर में रखा, उससे काम हो गया। नहीं, पहले के ज़माने में लोग सोने चांदी के बर्तन में खाया करते थे। खैर, सोना चांदी के तो आज पॉसिबल नहीं है। क्यों खाया जाता था? सोना गर्म होता था, चांदी होता है। सोना चांदी के भस्म जो है आपको मिठाई के इसमें मिलते होंगे, बहुत लोगों ने देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, खाने का जो तरीका है, खाना बनाने का जो तरीका है दोस्त, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप मिट्टी के बर्तन में लीजिए, दाल बनाइए, चावल बनाइए, देखिए आपके टेस्ट में फर्क आ जाएगा। मिट्टी के तावे में आप रोटी बनाइए, देखिए आपका टेस्ट नजर आएगा, और 100% आपके पैसा वसूल होगा। अगर आप बोलते हैं नहीं मैं पैसा वसूल करना जानता हूँ, तो दोस्तों ऐसा कंजूस बनिए, जरूरत तो आप कंजूस है ही नहीं, दूसरों से तो आप लेके चले आते हो लेकिन आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। अंदाजा लगा लेके हमने पैसे कमा के लाया और हमने जो खा रहे हैं हमारे शरीर में जा ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या होगा? वो जो कचरा है, वो कचरा जो अंदर जाएगा तो आपको मिलता क्या? उससे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
गन्ने को आपने पेरता हुआ देखा हुआ होगा, गन्ने को जो सारा रस निकाल लेते हैं उसका बचा हुआ जो पार्ट फेंका हुआ रहता है वही चीज तो हम खाते हैं, बाकी सारी चीज तो हमारी निकल जाती है खाने का, वेजिटेबल्स का, सारी चीजों का, तो हमारे मिलता क्या है? एक तो खाद की सारी चीजें खाते हैं दोस्तों, उसके बाद जो उसमें थोड़ा बहुत रहता है वो भी हम निकाल देते हैं, इसीलिए ना हमारे शरीर में इतनी चर्बी हो गई है, इतनी परेशानी हो गई है। तो दोस्तों उसको कैसे इस्तेमाल करें, इसी के इस्तेमाल के लिए अगर नहीं मिट्टी का बर्तन आप यूज कर सकते तो दोस्तों पीतल का बर्तन यूज कीजिए, नहीं 100% 80% भी सही। तो इसके इस्तेमाल से, उसमें खाना बनाने के इस्तेमाल से गैस चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई लकड़ी की चूल्हे की जरूरत नहीं है, उसी गैस पे इस बर्तन पे अगर बनाएगा तो आपके खाने के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, और आप देखेंगे आपके टेस्ट में फर्क पड़ेगा, आपके बच्चे के खाने के टेस्ट में फर्क पड़ेगा, एक एक चीजों में फर्क पड़ेगा, और आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। सिर्फ आप 15 दिन करके देखिए, आपकी बहुत सारी बीमारियां इससे खत्म हो जाएगी। बोलते हैं कि मैं ये खाता हूं हमारे शरीर में नहीं लगता, तो 100% लगेगा। एक तो खाना खाने की टेक्निक, पानी पीने की टेक्निक और खाना बनाने की टेक्निक, इस तीनों चीजों का अगर आपने मिश्रण कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो मुझे लगता है कि आपको कोई रोग होगा ही नहीं। तो आज हम लोगों ने हर एक चीजों को छोड़ दिया है, इसीलिए हम लोग इतने परेशान हैं और इतनी सारी परेशानी हम लोगों के साथ चली आ रही है और हम इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ दवा के पीछे। आज कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आज MRI टेस्ट करवा रहे हैं, CT स्कैन करवा रहे हैं दोस्तों, फिर जो एक्सरे करवा रहे हैं, ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो ये टेस्ट, वो टेस्ट, 1000 टेस्ट पे टेस्ट, हजारों हजार रुपये, लाखों रुपये टेस्ट में दे देते हैं, लेकिन हम उस थोड़े से बर्तन के लिए नहीं करते, हमारे घर में लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका लाइफ बिजी है और वो मॉडर्न नहीं होंगे। दोस्तों जो लोग मॉडर्न है सही में, वो लोग अपने यहाँ इस चीज़ों को यूज कर रहे हैं, वो इसकी वैल्यू को समझ रहे हैं दोस्तों। तो आप अगर मिट्टी नहीं यूज कर सके तो आप ये यूज कीजिए। आज भी हमारे यहाँ फ्रिज की जगह पे घर का लोग पानी पीना पसंद करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, फ्रिज के पानी का साइड इफेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं वीडियोस को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि खाना का जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, उस खाने के अंदर का जितना चीजें हैं, जितना रस है, उसको अच्छे से यूज कीजिए। एग्जाम्पल्स, जिस तरह से आप मोबाइल में नेट भरवाते हैं और 1.5 GB या 3 GB या 4 GB या 5 GB आपको पर डे का मिल रहा है दोस्तों, और आप उसका 1-1 रुपया वसूल करना चाहते हैं उस जीबी का, तो भाई मेरा 1 GB भी वेस्ट नहीं जाए, 100 MB भी हमारा वेस्ट नहीं जाए, उसका पूरा फायदा उठाए। तो दोस्तों उस 100 MB की तरह ही आप उस खाने का, वेजिटेबल्स का, उस दाल का, उस चावल का, उस चने का, जो भी बनता है, उस खीर का, उस हलवे का, हर एक का दोस्तों इस्तेमाल कीजिए। और एल्युमिनियम का बर्तन और कुकर, ये सब चीज़ों का जो इस्तेमाल करना दोस्तों छोड़िए, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप अपने अंदर में फिटनेस महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों मैंने इसे यूज़ किया है, और जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो घर में बहुत तरह के क्वेश्चंस भी होने लगे, बहुत तरह के बातें होने लगी, लेकिन दोस्तों उसका जो रिजल्ट देखा मैंने, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देखा। तो मेरी कोशिश है दोस्तों, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कि वो नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूँ, ऐसा ना करें दोस्तों। वो नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूँ, वो मॉडल नहीं, दोस्तों आप चेंज होइए, आपके चेंज होने के बाद दूसरा चेंज होगा, तीसरा चेंज होगा, इसी तरह से हमारा हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा। पुराने जमाने में सारे लोग स्वस्थ क्यों रहते थे, उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न क्या था, क्या कि लोग मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, पीतल का बर्तन के साथ लोहे के बर्तन के साथ। मुझे आज भी याद है कि लोहे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में आज भी दही जमाया जाता है, और उस दही का टेस्ट अलग होता है दोस्तों। लोहे के बर्तन में दूध खौलाया जाता था, जिसके अंदर मलाई, इतनी मोटी मोटी मलाई पड़ती थी दोस्तों। लोहे के बर्तन में खाना बनता था, भले खाना थोड़ा सा गंदा दिखता था, लेकिन उसके अंदर में आयरन की कमी नहीं रहती थी, वो अंदर से बीमार नहीं रहता था। तो इस तरह से लकड़ी में खाना बनता था, मेरा देखा हुआ है दोस्तों, लेकिन उस लकड़ी का खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होता था। तो दोस्तों हम लकड़ी तक नहीं जाएंगे, आज छोटा छोटा घर हो गया, लेकिन आप इसे यूज कीजिए। आप किसी भी धर्म स्थान पर जाइए तो वहाँ पर आपको लकड़ी के इस चूल्हे में खाना बनता हुआ मिलेगा आपको, साथ में वहाँ के खाने में टेस्ट अलग मिलेगा, क्योंकि उसका बर्तन अलग होता है, उसका सिस्टम अलग होता है, इसलिए उसके अंदर में दोस्तों टेस्ट है। तो आप अगर टेस्ट चाहते हैं, अगर टेस्ट, जिस टेस्ट के पीछे आप भाग रहे हैं, टेस्ट चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, और साथ में खाने का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, उसका 1-1 रुपया निचोड़ना चाहते हैं, 1-1 पैसा निचोड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिए कि मिट्टी का बर्तन, पीतल के बर्तन में खाना बनाइए, खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, और डॉक्टर के पास से अपने पैसे को बचाइए। मैं भी एक्यूप्रेशर का काम करता हूँ, थेरेपिस्ट हूँ मैं,
मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि लोग बीमार ना हो, हमारे पास आने की ज़रूरत ना हो। ट्रीटमेंट के साथ साथ वो अपने खाने का रूटीन चेंज करे, अपने पानी पीने का रूटीन चेंज करे, घर में खाना बनाने के रूटीन को चेंज करे। दोस्तों, तो मेरी कोशिश रही कि लोग इस सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, और मैंने ट्रीटमेंट के साथ ये सारी चीज़ें उसे सिखाने की कोशिश किया है दोस्तों। और इसीलिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो इसके नीचे में दिया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया है, एडवांस बहुत सारी चीज़ों का एडवांस लेवल दिया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का एडवांस लेवल मैं दे नहीं सकता, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसका एक रीज़न है, बहुत से एडवांस लेवल का इस्तेमाल मुझे भी अगर आगे से मिलता है तो मैं नहीं करता, मुझे समझने में टाइम जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, तो मैंने इसे यूज़ किया है दोस्तों, आप भी यूज़ कीजिए। और दोस्तों, लोगों को फल खाने का तरीका नहीं मालूम है, खाना खाने के बाद लोग फल खाते हैं। नहीं दोस्तों, फल पहले पचता है, इसलिए फल को पहले खाना चाहिए, खाने को बाद में खाना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, फल को कभी भी दोपहर के बाद ना खाएं, शाम के टाइम में नहीं खाएं, हमेशा दोपहर से पहले खाएं। सुबह के टाइम में फल आप खा सकते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल कीजिए। दूध दिन में कभी ना पिए, हमेशा रात में इस्तेमाल करें। अगर आप दे रहे हैं तो इससे बचने की कोशिश कीजिए, दूध की बनी हुई चीज़ों को लगभग कोशिश कीजिए कि रात में खाएं, रात में मतलब सनसेट से पहले खाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप 100% फायदे में रहेंगे दोस्तों। तो आप, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के साथ आपको कुछ समझदारी आएगी। अगर आपने नहीं सीखा है, आपको कुछ समझ में आएगा, आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बर्तन की, मिट्टी के बर्तन को धोने के लिए नॉर्मल से धो सकते हैं आप उसको, इस जो क्या कहते हैं काता लेके हल्के हल्के से उसे धो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल करना सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, खुद जानिए, दूसरों को भी बताइए। अगर लगता है कि आपको वीडियो ये पसंद आया, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके खाना चाहिए, अभी मैंने सर्च किया था तो मैक्सिमम लोग क्या खाना चाहिए इसके बारे में पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कैसे हेल्दी रखा जाए इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कैसे रहा जाए उसके बारे में नहीं। वो जो लोगों ने एक फंडा बनाया जो फॉरेन से चला आ रहा है, ये ड्राई फ्रूट खाओ तो ये खाओ तो वो खाओ, ये इंजेक्शन लो, ये टैबलेट खाओ, ये खाओ, ये कट्स निकालो, वो लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से कैसे फिट रहे इसके पीछे लोग जा ही नहीं रहे दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे आप फिट रह सकते हैं और कैसे आप मजबूत हो सकते हैं, और खाने का जो क्या क्या खाया जाए उसके तरीके में जो भगवान आपको दे वो खाइए, और फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। आपको आपके आपके हेल्थ के ऊपर खर्चा होने वाला पैसा टोटल ख़त्म हो जाएगा, किसी मेडिक्लेम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप 100% स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, बाकी के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने इस पर दिया है, आगे भी आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें दूंगा। समय के अभाव के कारण मैं कम दे रहा हूँ आपको, कि वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा, लोग देखना नहीं पसंद करते बड़े वीडियोस को, इसलिए मेरी कोशिश है कि छोटी सी चीज़ों में समझाने की कोशिश करूं कि आप कैसे कैसे इसका फ़ायदा है। मिट्टी के बर्तन का बना हुआ खाना कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे तक उस बर्तन का खाना ख़राब नहीं होता दोस्तों, आप बिंदास खा सकते हैं। नहीं तो आप रिजल्ट और प्रैक्टिकल करके देखिए, और लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कॉमेंट कीजिए, बराबर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट वीडियो में।